स्मार्ट सिटी बनाने के लिए शहर की तमाम सड़कों की खुदाई की कवायद शुरू हो गई है। आलम यह है कि अब घर से शहर तक पहुंचने के लिए वक्त ज्यादा लगता है। बता दें कि बरेली स्मार्ट सिटी योजना के तमाम प्रोजेक्ट की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समीक्षा करने के बाद कंपनी के सीईओ अभिषेक आनंद ने शुक्रवार को अधिकारियों व कंसल्टेंट एजेंसी के साथ बैठक की। स्मार्ट सिटी कंपनी ने पिछले साल ही हनीवेल नाम की कंपनी को काम दिया है, लेकिन अब तक प्रोजेक्ट धरातल पर नहीं उतर पाया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने इस प्रोजेक्ट की जानकारी ली थी। महापौर व सीईओ ने जुलाई तक प्रोजेक्ट शुरू होने का भरोसा दिया था। क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा। बरेली स्मार्ट सिटी जो बन रही है, इसमें आप शहर की स्थिति क्या कहना चाहते हैं? शहर की स्मार्ट सिटी के नाम पर जो इस समय बरसात के मौसम में जो लोगों को परेशानी हो रही है, वो सब देख रहे हैं। जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं, लोगों को आवाजाही में परेशानी है। पुलों का जो निर्माण पहले से शुरू हुआ था, वो आज तक चल रहा है, जिससे यातायात हमेशा बाधित रहता है। यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है सड़कों की खुदाई हो रही है, मेन जो चौराहा है शहर के बीचों बीच का, उसमें अयूब खां चौराहा जिसे पटेल चौक कहते हैं, तो उसमें जो खुदाई हो रही है वह खुद ही पड़ी है। प्रशासनिक अधिकारी हों या नगर निगम के अधिकारी हों, इस ओर कोई ध्यान ही नहीं देता। लगभग इसको जो है 6 महीने से ज़्यादा होने जा रहे हैं और अभी तक इस पर काम पूरा नहीं हो पाया है। क्या वजह है इसको कोई बताने को तैयार नहीं है। जब इनसे पूछा जाए तो साहब काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी के नाम से जनता को धोखा दिया जा रहा है। मेरा नाम राजेश गंगवार, वो सवारी जिसके चल रहा हूँ पोलर हूँ, और इसको जिसके में हमें बहुत दिक्कत आती है, फिर सवारी भी नहीं मिलती हम लोगों के लिए। रोड कैसी है? रोड बहुत बेकार है, इससे एक जहाँ जाते वहाँ जाम लगा हुआ मिलता है, इधर को जाते उधर जाम लगा हुआ मिलता है। सब रोड अगर खुला हुआ हो, रोड अच्छा हो, तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी। गड्ढे वड्ढे मिल रहे हैं? गड्ढे बहुत मिल रहे हैं, गली मोहल्ले में गड्ढे हैं, गली मोहल्ले में जाकर देखते हैं आप लोग, देखो हम लोग देखते हैं तो गली मोहल्ले खुदी हुई है, गड्ढे गड्ढे हैं गली मोहल्ले में। क्या नाम है आपका? चौधरी अनवारी। बस चौधरी जी, जानना चाहेंगे कि जो बरेली में स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, किस गति से चल रहा है और कैसा जो गड्ढे वड्ढे हैं उसको क्या कहेंगे? स्मार्ट सिटी की जहाँ तक बात है, एक तरह का बिल्कुल तरह जनता के साथ मजाक है। स्मार्ट सिटी के नाम पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। जिस सारे विकास यहाँ स्मार्ट सिटी महानगरों में चल रहा है, उसी हिसाब से प्रदेश सरकार द्वारा पूरे जनपदों में हर जगह जगह विकास चल रहा है, विकास काम करती है। लेकिन जहाँ स्मार्ट सिटी के नाम पे काम हो रहा, कोई भी ऐसा कार्य मुझे दिखता नहीं है जो स्मार्ट सिटी के नाम पर दिखता हो। जो पुल बने हैं बरेली के अंदर, वो पहले 2012 से पहले भी और 2012-17 के बीच में जो है बन चुके, पास हो चुके थे। एक नई चीज़ कोई ऐसी नहीं है जो हम ये कह पाएंगे स्मार्ट सिटी के नाम पर ये चीज़ आई है। शहर की सड़कों पर क्या कहना चाहते हैं? शहर की सड़कें क्या, मैं तो कहता हूँ जनपद बरेली की सड़कें जो हैं शहर की क्या, पूरी जनपद बरेली की सड़कों का हाल यही है। क्योंकि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो पूरी तरह से ये मान चुके हैं कि हमें करना कुछ नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट मिल जाता है, इसलिए वो कुछ करना ना तो है। सबसे बड़ी समस्या जल भराव की है शहर में, बरसात के समय पर जल भराव होता है शहर में, और बरेली में जो तमाम बीजेपी के नेता हैं वो स्मार्ट सिटी का दावा करते हैं, बावजूद इसके इस ओर कोई मतलब शहर के नेताओं का ध्यान नहीं है, इसको क्या कहते हैं? नेताओं का ध्यान तो किसी चीज़ पर है ही नहीं। जब उनसे कोई काम नहीं होता तो कह देते हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही है। जब सुनी नहीं जा रही है, कुछ काम नहीं कर सकते, तो कम से कम ये है कि सीवर एक जहाँ किसी दूसरे को मौका दे दें। हालत ख़राब है, बट केवल इतना सा है कि हमें जो है कुछ कहना है, करना नहीं है, और लोगों जनता को बेवकूफ़ बनाना है। फिर 2022 चुनाव आएगा, कह देंगे ये कमी रहेगी, ये पूरी करा देंगे बाद में। स्मार्ट सिटी नाम पर कोई चीज़ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम है। क्या करते हैं? मैं टुक टुक चलाता हूँ, बैटरी रिक्शा। शहर में सड़कों को लेकर क्या कहना चाहते हैं? सड़कें सब जगह टूट हुई हैं, ज़्यादातर पंचर हो रहे हैं गाड़ियों में, हम लोग परेशान होते हैं बहुत ज़्यादा, और हर जगह टूट हुई है ज़्यादातर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।